नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विशाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल चेस प्लेयर्स इंडिया में। दोस्तों, आज का जो मेरा ये मैच है वो किसी रॉयल टाइगर पीके जी के साथ में है। 2200 से ज़्यादा इनकी रेटिंग है और आज का मैच मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे बहुत ही रफ़ एंड टफ तरीके से खेलूँगा और गेम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर गेम शुरू होते ही रॉयल टाइगर पीके जी ने पता नहीं क्या सोच करके G5 में अपने इसको घोड़े को ला करके रख दिया है। पता नहीं क्या ट्रिक होगी इनकी, काफ़ी अटैकिंग खेलना चाहते हैं शायद ये, पर मैं इनसे भी ज़्यादा अटैकिंग खेलना चाहता हूँ। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, क्योंकि अभी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत दिन से कोई भी मैच हारा नहीं हूँ। तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक मेरा लक मेरा साथ देता है। तो इनके इस चैलेंज को तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा। इनका घोड़ा जा चुका है और यहाँ इन्होंने अपने पॉन से मेरे बिशप पर अटैक बनाया है और काले घर के बिशप से मेरे वजीर पर अटैक बनाया है। शायद यही इनका प्लान था, क्योंकि इससे मुझको अपने वजीर को ही बचाना पड़ेगा अभी तो फ़िलहाल, तो उनको वहाँ मेरा बिशप मिल जाएगा, इसीलिए शायद इन्होंने अपने घोड़े को सेक्रीफाइस किया था। पर यहाँ मैंने उनके हाथी के ऊपर अटैक बनाया है। फ़िलहाल वो मेरे ऊँट को तो नहीं ले सकते, क्योंकि उनको पहले अपने हाथी को बचाना पड़ेगा। इस बेचारे का ये प्लान लगता है यहीं पर फेल हो गया है। अपने हाथी पर वजीर से डिफेंस किया उन्होंने, अपने राजा को मूव कर लिया है और यहाँ जिस पॉन से उन्होंने मेरे ऊँट के ऊपर अटैक किया था वो जा चुका है और यहाँ मेरे घोड़े से उनको मैंने चेक दिया है। देखते हैं क्या करते हैं वो। और यहाँ चेक के साथ मैं उनको वजीर एक्सचेंज करने का ऑफ़र दे रहा हूँ। अगर वजीर एक्सचेंज हो जाएगा तो मेरे लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मैं पहले से ही एक पीस अप हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गेम में। वजीर एक्सचेंज नहीं किया है फ्रेंड उन्होंने। यहाँ मैं अपने दूसरे ऊँट के लिए भी मैंने रास्ता खोल दिया है, सफ़ेद घर के ऊँट के लिए। भाई ने अभी भी वजीर एक्सचेंज नहीं किया, बल्कि अपने राजा को मूव कर रहे हैं। मैं ही कर लेता हूँ वजीर एक्सचेंज। और यहाँ घोड़े से एक और चेक मैंने उनको दिया है और यहाँ मैंने उनके काले घर के बिशप को भी ले लिया है। और यहाँ उनके पास में मौका था कि वो मेरे दोनों पीस में जो चाहें वो ले सकते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ वो बिशप लेंगे। घोड़े को मैंने वापस बचा लिया है। बहुत ज़्यादा अटैकिंग गेम खेल रहा हूँ मैं पहली बार इतना ज़्यादा अटैकिंग खेल रहा हूँ बिना किसी डर के, क्योंकि हारने का भी मुझको कोई डर नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सारे गेम मैं ऐसे ही लक से जीत रहा हूँ या सच में मैं थोड़ा अच्छा प्लेयर बन गया हूँ अभी। यहाँ मैंने उनके एक हाथी के ऊपर में अटैक बनाया है और यहाँ मेरे बिशप पर अटैक करने के चक्कर में उसने अपने एक हाथी को तो बिल्कुल कॉर्नर में ही लॉक कर दिया है। उसी हाथी पर अब मैं अटैक बना रहा हूँ। यहाँ एक पॉन से उन्होंने मेरे एक पॉन को मारा है और जिस पॉन से मैं अपने घोड़े को डिफेंस कर रहा था उसी को उसने मार दिया है। हालांकि मैं दूसरे पॉन से उससे मार करके वापस अपने घोड़े पर डिफेंस कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एक दो पीस गिफ्ट कर देता हूँ ताकि कम से कम वो भी गेम में थोड़ी वापसी कर सके। मैंने इस समय उनके हाथी को मारा है, मेरा घोड़ा जा चुका है और मैं आराम से अपने ऊँट को बाहर निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको निकालने में। F3 में उसको ला करके फिर वहाँ से वापस ला सकता हूँ मैं, लेकिन ये प्यादे को लेकर के मैं इनको अपना ऊँट भी दे देता हूँ। रॉयल भाई थोड़ा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया पे वो आराम से अपने फ्रीली मूव कर पाएंगे और जितना भी बर्डन उनके ऊपर अभी तक था गेम में वो सब दूर हो गया है। अब उनको गेम बिल्कुल उनके कंट्रोल में लग रही होगी, क्योंकि सिर्फ नीचे की 3 रैंक में ही मेरे सारे प्लेयर्स हैं, बाकी ऊपर की पूरी 5 रैंक पे वो आज़ादी से अपने पीसेस मूव कर सकते हैं। देखते हैं आगे कैसा खेलते हैं ये, क्योंकि मैं इन पर बहुत ज़्यादा अटैक बना के रखूँगा चाहे हारूँ या जीतूँ। फिर से मैंने इनको चेक दिया है, एक बार फिर से चेक, इस बार घोड़े से चेक। मेरे पॉन्स को लेकर के बहुत ही खुश हो रहे होंगे रॉयल भाई,
एक इस बार हाथी से चेक, एक और पॉन मैंने उनको गिफ्ट कर दिया है। अगर यहाँ पर बिशप इस फायरिंग लाइन पर नहीं बैठा रहता तो G8 से मैं उनको ज़रूर चेक देता और उनका हाथी मुझको मिल जाता, लेकिन G8 से मेरा हाथी उनको चेक नहीं दे सकता है। इनके ऊँट के ऊपर अटैक करता हूँ, ऊँट पीछे जा रहा है, ऊँट पर एक और अटैक करूँगा। यहाँ अपने ऊँट के लिए जगह बनाते हुए रॉयल भाई, ऊँट पर एक और अटैक। अभी भी इसी डायगनल पर उन्होंने अपने ऊँट को रखा हुआ है क्योंकि उनको मालूम है अगर ऊँट हटेगा तो मैं यहाँ से उनको चेक दूंगा और उनका हाथी चला जाएगा। वो चाहे तो अपने हाथी को भी मूव कर सकते हैं, उन दोनों को एक ही लाइन में जी फाइल में रखने की क्या ज़रूरत है। मैं इसी बीच मुझको जगह मिल गई है अपने दूसरे हाथी को बाहर निकालने की और दूसरे हाथी से अब मैं G6 में जा कर के उनको चेक देने वाला हूँ। शायद मेरे इस प्लान को रॉयल भाई समझ गए थे, पहले ही उन्होंने अपने हाथी को मूव कर लिया है, पर यहाँ दूसरे एंगल से उनको चेक से बचने के बजाय यहाँ उन्होंने अपने घोड़े को बीच में लगा दिया है। क्या रॉयल भाई, यहाँ मैंने उनके घोड़े को पिन कर दिया है। फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, इनका घोड़ा लगता है मरने वाला है पर घोड़े की पिन यहाँ इन्होंने ख़त्म की। यहाँ दूसरे एंगल से चेक, यहाँ फिर से चेक, अपने हाथी को हटाना पड़ेगा। हाथी को वापस ला लिया हूँ मैं और अब जा कर के कहीं उन्होंने अपने हाथी को थोड़ा सा मूव किया, इतना देर से एक ही जगह बैठा करके वो रखे हुए थे। यहाँ फिर से मैंने उनके घोड़े को पिन कर दिया है, उनको अपने घोड़े की पिन ख़त्म करनी होगी। और यहाँ अपने घोड़े की पिन तो उन्होंने नहीं ख़त्म की, अपने राजा को मूव नहीं किया बल्कि घोड़े को एक प्यादे से सपोर्ट कर रहे हैं। कर दी ना गलती अखंड, ये बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, उनका घोड़ा तो गया। अब और यहाँ एक और गलती कर दी उन्होंने, अपने हाथी को लेकर के आए हैं, वो शायद सोच रहे हैं कि अपने काले हाथी से उनके हाथी को मारूंगा फिर अपने घोड़े से मेरे हाथी को लेंगे, इस तरह से पीस हमारे बराबर रहेंगे दोनों के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले उनका घोड़ा जाएगा और अभी उन्होंने फिर भी फ्रस्ट्रेट होकर के मेरे हाथी को मार ही दिया तो अब उनका हाथी भी जाएगा। दो पीस उनको सेक्रीफाइस किया था मैं, लेकिन वापस मैं यहाँ एक पीस अप हो गया हूँ। और यहाँ कोने में बैठा हुआ जो उनका ये ऊँट है, वो लगता है पूरे गेम में कोने में ही बैठे रहने की सोच रहा है। बहुत ही लाचार तरीके से उनका राजा घूम रहा है। अपने हाथी को सबसे ऊपर के स्क्वायर में ले जा करके मैंने रख दिया है, जबकि सेकंड रैंक में रखना चाहिए था, उससे उनके प्यादे के ऊपर अटैक बनता, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, गेम वैसे भी ख़त्म हो गया है, थोड़ी देर में ये हार मान ही जाएंगे। अभी अपने ऊँट को निकाला है इन्होंने बाहर, अब जाकर के आया इनका ऊँट, पहले आया होता तो कुछ कर पाते ऊँट का यूज़। ऊँट पर अटैक बनाया फ्रेंड्स मैंने, और ये देखिए ऊँट को बचाया तो कहाँ बचाया, फोर्थ रैंक में राजा भी और ऊँट भी। ये शायद इनकी आखिरी गलती है। और यहाँ पर रॉयल टाइगर भाई ने गेम क्विट कर दिया है, बिल्कुल भी संभल के नहीं खेल पाया रॉयल भाई, इतना अच्छा अच्छे से मैं इनको मौका दे रहा था मगर बहुत बुरी तरह से हारे। अगर अभी इनके बिशप को मार दूंगा तो फिर दो पीस अप हो जाऊंगा। चलो ठीक है,